महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ बलात्कार का मामला, मॉडल सिंगर ने दर्ज कराई शिकायत, एनसीपी की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे बलात्कार के मामले में सुर्खियों में हैं। मुंबई की एक मॉडल सिंगर ने धनंजय मुंडे के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए वो सिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाया है। सिंगर का आरोप है कि मंत्री धनंजय मुंडे ने उसे फिल्मों में सिंगर का काम दिलाने के बहाने कईयों बार रेप किया। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे। पीड़िता के वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का कारनामा बयान करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इनको बार बार धमकी देकर के संबंध बनाते थे ये, उस मामले से इतना पीड़ित, और पहले तो बहुत डरी हुई थी, बाद में उस ये वहां से यहां से डर करके और 2009 में इंदौर चली गई, अपना नंबर चेंज कर दिया। उसके बाद भी वो यहां से इनको खोजते खोजते इंदौर पहुंच गए, होटल में रुके और इनको फोन करके बोले कि आप मेरे होटल में आती हो या मैं आपके घर पे अपने लोगों के साथ में आऊं। इनके पास और इनको इतना फोन किया कि इनको मजबूरी वहां आना पड़ा। फिर वहां पे इनके साथ फिर दोबारा संबंध स्थापित किए और इनको बहला फुसला करके बंबई लाए। बंबई में इनको भाड़े के रूम में रखे और इनको जब उनकी इच्छा होती थी इनके पास आते थे और जबरदस्ती इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उन्होंने शारीरिक और उनको जब इच्छा होती थी इनको लोनावाला ले जाते थे, गोवा ले जाते थे, इंदौर ले जाते थे। इन्होंने बताया कि कप परेड में कोई फ्लैट है वहां पे ले जाते थे और जब भी ये अपोच करती थी तो ये बोलते थे कि मैं आपको बहुत जल्दी डायरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ, प्रोड्यूसर से मिलवाने वाला हूँ और आपको बहुत जल्दी एज ए सिंगर लॉन्च कर दूंगा। आज हमने बम्बई पुलिस आयुक्त और गृह सचिव और डीजीपी को लिखित शिकायत की और आज जब हम उजेरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए, हम लगभग 8:30-9 बजे यहाँ पहुंचे और अभी इस समय 12:15 बज रहे हैं। 4 घंटे से पुलिस हमको बोल रही थी कि रात में यहाँ पे इन्वर्ट नहीं होता, हम FIR नहीं लॉन्च करते, जबकि उनको हमने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो रेप विक्टिम है उनका FIR इमीडिएट किया जाना चाहिए, लेकिन वो FIR अभी तक उन्होंने नहीं लॉन्च किया है। और आपके सामने हमारी जो क्लाइंट है, जान को बहुत बड़ा खतरा है, अगर हमारी क्लाइंट को कुछ भी होता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है माननीय मंत्री जी धनंजय मुंडे जी होंगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि इनको न्याय दिलाने की कृपा करें। सबसे पहले तो वो मेरे लिए मंत्री नहीं है, मैं उसे मतलब ईयर 1996 से जानती हूँ, जब वो मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध में था। मेरे लिए मैं उस समय 16-17 साल की मात्र रही होंगी, तो मैं उसे वहाँ से जानती हूँ जब वो कुछ नहीं था। और 98 में इसने मेरी बहन से शादी की थी। मैं इन लोगों के साथ कंटिन्यूसली मुंबई रहती थी और सन 2006 में इसने पहली बार ये जानते हुए कि मेरी बहन घर पे नहीं है, वो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो अपने घर गई हुई थी इंदौर में, तब ये जानते हुए भी कि घर पे कोई नहीं है, ये आया और इसने मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया। ओशिवरा पुलिस स्टेशन को दी गई शिकायत में पीड़िता ने 14 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि उसकी बड़ी बहन के साथ एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का प्रेम विवाह हुआ था और जब उसकी बहन डिलीवरी कराने इंदौर चली गई तब मुंबई के घर में अकेला पाकर धनंजय मुंडे लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण करते रहे। पीड़िता की माने तो मुंडे ने इच्छा के विरुद्ध लगातार रेप किया। हालांकि इन आरोपों पर मंत्री धनंजय मुंडे ने फेसबुक पर खुद सफाई दी है। अपने लंबे चौड़े संदेश में मुंडे ने शादी विवाह और पुराने संबंधों को सच बताते हुए साफ किया कि इसका मामला पुलिस और कोर्ट दोनों में विचाराधीन है, इसलिए इसे तूल देना ठीक नहीं है। फिलहाल इस मामले में एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर मुंडे की इस छुपी कारस्तानी को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। फिलहाल मामला ओशिवरा पुलिस स्टेशन के हाथ में है। खबर है कि अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया तो पीड़िता अपने वकील के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।